अस्सलाम वालेकुम, मैं उवैस मसद्दीकी जो का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दी बोल्ड विजन क्लब ट्यूटोरियल में आप सब लोगों का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिक फंक्शन एंड फार्मूलाज को यूज़ करते हुए डिस्काउंट या प्रॉफिट और लॉस शीट को बनाने जा रहे हैं। इस शीट को हम डिस्काउंट शीट भी कह सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शीट भी कह सकते हैं। जब होलसेल से कोई प्रोडक्ट्स आइटम्स परचेज किए जाते हैं तो होलसेल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है। जिस तरह कोई आइटम्स प्रोडक्ट्स परचेज करने जाएँ तो होलसेलर क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है। तो वो तमाम प्रोडक्ट्स डिस्काउंट हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस शीट। लेसन 4 के साथ हाजिर हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और याद रहे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज के टॉपिक में हमारे क्लास 4 में डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस शीट वैसे फंक्शंस को यूज़ करेंगे हम, जिसमें से हमारे पास फार्मूला सब आपके पास यहाँ गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा तमाम फार्मूलाज। बिना टाइम वेस्ट किए हम शीट की तरफ चलते हैं। एक्सेल आपने ओपन कर दिया। एक्सेल ओपन करने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर सीरियल नंबर। इसको जूम कर देते हैं ताकि बआसानी आपको दिख सके। सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर नेम। ऑल्टर एंटर के साथ नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम, कस्टमर नेम। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी। QTY means quantity, rate means per rate, total amount आ गए यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे discount, कितना परसेंट डिस्काउंट होगा यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट इन अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आएगा कितनी अमाउंट हमारी बनी है, तो हम इसको ऑल्ट एंटर कर देते हैं, हमारे पास आ गया। इसको सेल को आप कर दें, एडजस्ट कर दें थोड़ा सा ताकि आपका तमाम के तमाम सेल हमारे पास एडजस्ट होकर आ जाएं। उसके बाद तो हम क्या कर लेते हैं, टॉप पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा एरिया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर। सेंटर करने के बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिस्काउंट शीट, डिस्काउंट प्रॉफिट शीट। साइज हमने क्या कर दिया, इंक्रीज। इंक्रीज करने के बाद बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं हम, बॉर्डर ऑल। और बैक पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट सा कलरफुल। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम नंबर दे देते हैं। यहाँ पे हर कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आइटम्स का कोई ना कोई नंबर होता है हमारे पास। कंट्रोल प्रेस रखकर आप क्या कर देंगे, जहाँ तक आपने रखना है वहाँ तक ड्रैग कर देंगे। हम क्या करते हैं, इसी के सीध में क्या कर देते हैं, हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्ट करा, सेंटर कर दिया हमने, और टॉप से सेंटर कर दिया और बॉर्डर ऑल अप्लाई कर दिया। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम आपका कोई भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी पुट कर दें यहाँ पे, अपने अपनी मर्जी से आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के नेम, कीबोर्ड हो गया यहाँ पे,
प्रिंटर हो गया, यहाँ पे एलसीडी हो गई, स्पीकर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं। इसी के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, क्वांटिटी। आपके पास क्वांटिटी मर्जी है, जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी आप वो प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी पुट कर देते हैं वैल्यू। उसके बाद रेट, रेट कोई भी आप जो रेट होंगे आपके पास वो आप रेट लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2500, लास्ट हमारे पास 500 रख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ आते हैं तो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट पे हमारे पास फार्मूला होता है, इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद हमने क्वांटिटी सिलेक्ट करी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस कर देंगे, क्यों आके आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई उसके बाद नेक्स्ट रेट सेल सिलेक्ट होगा, तो उसके बाद क्या कर देंगे एंटर। तो हमारे पास क्या आ गया टोटल अमाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी कर्सर पे क्लिक करके रखेंगे और क्या करवा देंगे ड्रैग। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला कॉपी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट। अब हर आइटम्स की कोई ना कोई डिस्काउंट होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5%, इसका 5% दे दिया, इसका 3% दे दिया हमने, यहाँ पे इसका यहाँ पे हमने दे दिया 15। अपनी मर्जी का कोई भी आप जो डिस्काउंट चल रहा होगा वो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10% दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं डिस्काउंट इन अमाउंट के। अब डिस्काउंट लेने के बाद हमारे पास क्या अमाउंट बन रही है, तो आप क्या कर देंगे इक्वल का साइन लगाकर, इक्वल का साइन लगाएंगे क्या करेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद मल्टीप्लाई दे देंगे, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, उसको एंटर कर देंगे, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी ये 312.5। अगेन इसको क्या करेंगे कॉपी कर्सर की मदद से ड्रैग करवा देंगे, तो आपके पास एक डिस्काउंट आ जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि एक चीज़ आपके पास आ रही है पॉइंट के बाद, ये डेसिमल कहलाते हैं। डेसिमल को अगर आपने रिमूव करने हैं या ऐड करने हो तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप जस्ट उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको डेसिमल रिमूव करने हैं या ऐड करवाने हैं। तो आपने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, आपके पास ये दिख रहा होगा ये इंक्रीज डेसिमल है और ये डिक्रीज डिक्रीज कर दूंगा तो तमाम के तमाम डिक्रीज हो जाएंगे, कोई भी अब पॉइंट नहीं रहेगा। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये ऐड हो रहा है, मुझे नहीं लेना तो मैं क्या कर दूंगा डिक्रीज ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या नेट अमाउंट। नेट अमाउंट हमारे पास फार्मूला होता है, इक्वल का साइन लगाया, टोटल माइनस डिस्काउंट इन अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप टोटल हमने सेल सेलेक्ट करा, उसके बाद माइनस का साइन लगाया, उसके बाद डिस्काउंट इन अमाउंट क्या कर देंगे एंटर, तो आपके पास नेट अमाउंट आ गई है। और अगेन इसी को क्या कर देंगे कॉपी। एक सेल और बना लेते हैं हम लास्ट का, हम इसको कर देते हैं मर्ज, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का हमने बना दिया, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट के लिए इक्वल लिखेंगे SUM। जैसे सम लिखा उसके बाद आपके पास तमाम के तमाम फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, मुझे सम का फार्मूला चाहिए, और क्या कर दूंगा इस पर चाहे आप डबल क्लिक कर दें या आप टैब कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब का बटन होता है वो की प्रेस कर देंगे आप, तो आपके पास खुद ब खुद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप पूरी रेंज ले लेंगे, रेंज लेने के बाद आप क्या कर देंगे ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट भी हमारे पास आ चुकी है। आप इसी को क्या करेंगे सबको सिलेक्ट कर लें एक साथ, लास्ट वाले को भी, और क्या अप्लाई कर दें बॉर्डर, और पूरे को यहाँ पे आकर क्या कर देंगे पहले हम इसको डिज़ाइन अप्लाई दे दें थोड़ा सा हेडिंग वाइज, और नीचे भी आप अप्लाई कर सकते हैं तमाम का तमाम को, और लास्ट में आप सेल थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ताकि थोड़ा सा हमारे पास हाईलाइट नज़र आए, और कलर आप कोई भी दे दें, आप यहाँ पे आप अंडरलाइन लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप कितनी जल्दी आपने क्या क्रिएट कर दिया, डिस्काउंट प्रॉफिट शीट को क्रिएट कर दिया है। हमारे पास टोटल अमाउंट भी आ गया, डिस्काउंट भी निकाल लिया हमने, तमाम के तमाम चीज़ें अप्लाई करके निकाल दी हैं। आप इस तमाम फार्मूलाज की मदद से आप कोई भी शीट, इस तरह की कोई भी शीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।